हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियांस किचन। मैं हूं पूजा। आज हम शेयर करने वाले हैं ब्रोंकली आलू और मटर की कड़ी। तो चलिए इसे बनाने की प्रोसेस को हम देख लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे गोटा धनिया और एक टेबलस्पून जीरा गोटा, 5 लाल सूखी मिर्च, लौंग, इलायची। इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से इसे हमें रोस्ट कर लेना है और मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए इसे हम रोस्ट कर लेते हैं। ये रोस्ट हो चुकी है, अब इसका हम पाउडर बना लेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, जिससे कि हम ब्रोंकली को फ्राई कर लेंगे। हमारी ऑयल गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम ऐड करेंगे ब्रोंकली को। इसे हम फ्राई करेंगे। ये काफी हेल्दी डिश है, इसे आप घर पर जरूर ट्राई करें। ये हमारी ब्रोंकली बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद हम हमारे पोटैटोस को फ्राई करेंगे। हमारी ऑयल गर्म हो चुकी है, इसमें हम डालेंगे पोटैटो। हमारे पोटैटोज को थोड़ा रेड फ्राई कर लेंगे। ये हमारे पोटैटोज फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद हम हमारी ग्रेवी के प्रिपरेशन की तरफ चलेंगे। इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे चॉप किए हुए अनियंस। इसे हम 2-3 मिनट्स कुक होने देंगे। इसे हमें लाइट फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारी टमाटो की प्यूरी। हमने यहाँ टमाटो, जिंजर, गार्लिक का पेस्ट बना लिया है, अब इसे हम हमारी ग्रेवी में यूज़ करेंगे। यहाँ हमारी अनियंस फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे प्यूरे को। इसे हम ढककर कुक होने देंगे। हम यहाँ चेक कर लेते हैं हमारी इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसे मिक्स करके हम
होने देंगे। इसे हम कवर कर देते हैं। हम यहाँ डालेंगे हमारी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि इसमें थोड़ी अच्छी सी कलर आए, 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे ड्राई रोस्ट पाउडर को। तो अब हम इसे ऐड कर देते हैं हमारे ड्राई रोस्ट पाउडर को। अब हम इसे कवर करके कुक होने देंगे और मसाले को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे ग्रीन पीस को, ताकि हमारी ग्रीन पीस भी थोड़ी सी अच्छे से कुक हो जाए। अब इसे हम कवर करके कुक होने देंगे। बीच बीच में हम हमारे लीड को हटाकर हमारे मसाले को चेक करते रहेंगे, ताकि ये नीचे से लग ना जाए, इसीलिए बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। इसे हम फिर से कवर कर देते हैं, जिससे कि हमारी ये ग्रीन पीस है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। ये हमारी ये हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे पोटैटोस को। इसे मिक्स कर देना है। हम इसमें डालेंगे हमारे कर्ड, जिससे कि इसमें थोड़ी सी अच्छी सी फ्लेवर आए और इसकी टेक्सचर भी काफ़ी अच्छी आए। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। बाकी के हमारे ब्रोकली को भी इसमें ऐड करेंगे। और इसे शॉर्टे करके से ढक के कुक होने देंगे 5 मिनट्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। अब हम इसे ढककर कुक होने देंगे 7 to 8 मिनट्स लो फ्लेम पर, जिससे कि ब्रोकली अच्छे से पक जाए। ये हमारी ब्रोकली मसाला कड़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये हमारी ब्रोंकली आलू मटर की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करें। थैंक यू।